शुभांगी जैन फ्रॉम एमी इंटरनेशनल स्कूल नयागांव कोटा। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 13 ऑफ योर एसएसटी पोर्शन दैट इज प्रोमिनेंट डायनेस्टीज ऑफ इंडिया। चैप्टर नंबर 13 प्रोमिनेंट डायनेस्टीज ऑफ इंडिया। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट इंडियन हिस्ट्री जिसमें बहुत सारी डायनेस्टीज हैं। कैसे मौर्यन डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, अशोका के टाइम पर किस तरह का राज्य था, हमारे इंडिया की गोल्डन एज, उस टाइम के फेमस जो गुप्ता रूलर्स थे, और चोला डायनेस्टीज़ की जो अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो दिल्ली सल्तनत के कुछ पार्ट्स हैं और उनके जो फेमस रूलर्स हैं और कुछ और ऐसे फेमस रूलर्स जिनके नाम है जैसे कि अकबर, शाहजहाँ और औरंगजेब, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। इंडियन हिस्ट्री इज़ वेरी रिच एंड डाइवर्स विद मैनी डायनेस्टीज बींग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। ईच डायनेस्टी अंडर द गवर्नेंस ऑफ सेवरल किंग्स हैज कंट्रीब्यूटेड टू इट्स प्रॉस्पेरिटी। तो हमारी जो इंडियन डायनेस्टी है वो बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, और हर डायनेस्टी के जो गवर्नेंस है वो कई किंग्स के हाथों में दिया गया था। यानी कि पूरी डायनेस्टी को एक किंग रूल नहीं करता था, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। लेट अस लर्न अबाउट सम प्रोमिनेंट डायनेस्टीज दैट हैव रूल्ड इंडिया बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश। तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले कौन रूल करता था इंडिया में? किंग्स। तो उन किंग्स के रूल के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट डायनेस्टी है मौर्यन डायनेस्टी, जो कब से थी? 322 BCE से लेकर ये 185 BCE तक इसका ड्यूरेशन था। तो इंडिया वॉज यूनाइटेड एज अ लार्ज स्टेट अंडर द मौर्यन डायनेस्टी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। इट इज स्ट्रेस्ड इन टू द नॉर्थ अप टू हिमालयाज। तो मौर्यन डायनेस्टी का रूल कहाँ तक था? हिमालयाज में, मतलब नॉर्थ साइड में हिमालयाज तक इसका रूल था, और ईस्ट की बात करें तो असम तक, यानी कि हिमालयाज से लेकर असम तक ये लोग रूल कर रहे थे। टूवर्ड्स द वेस्ट इट रीच्ड बियॉन्ड पाकिस्तान। वेस्ट में बात करें तो पाकिस्तान तक जा रहा था, जिसको हम आज अफगानिस्तान के नाम से जानते हैं। द मौर्यन डायनेस्टी वॉज एस्टैब्लिश बाय चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्यन डायनेस्टी के एस्टैब्लिशर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य प्लेड अ पाइवटल रोल इन इट्स एस्टैब्लिशमेंट। चंद्रगुप्त की हेल्प और किसने करी थी? चाणक्य ने। अशोका वॉज द मोस्ट फेमस किंग ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी के सबसे फेमस किंग कौन हुए? अशोका। इंडिया वॉज यूनाइटेड एज अ लार्ज स्टेट अंडर हिज रूल। ड्यूरिंग हिज मिलिट्री एंडेवर्स ही विटनेस्ड इमेंस माइजरी एंड लॉस ऑफ लाइफ। दिस बिकेम द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। इनके ड्यूरेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा मिजरी आ चुकी थी, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन आ चुकी थी एम्पायर में। ही वॉज सडन एंड डिसाइडेड टू टेक रिकोर्स इन पीस। और इसीलिए इनकी लाइफ में जब ये टर्निंग पॉइंट आया तो इन्होंने डिसाइड किया कि अब किसकी तरफ मूव करेंगे, टुवर्ड्स द पीस। हैंस ही एम्ब्रेस बुद्धिज्म, और इसी के बाद इन्होंने बुद्धिज्म को अपना धर्म मान लिया। द एम्पायर बिगेन टू डिक्लाइन आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका। और अशोका की डेथ के बाद जो मौर्यन जो डायनेस्टी थी, इनका जो एम्पायर था वो डिक्लाइन होने लगा, धीरे धीरे खत्म होने लगा। अर्चास एंड द एडिक्ट्स ऑफ अशोका वर द हाईलाइट ऑफ द रिटन लिटरेचर ऑफ दैट टाइम। और उसी टाइम के जो अशोका के बारे में जो एडिक्ट्स लिखे हुए, यानी इनके ऊपर जो बुक्स लिखी गई हैं, और अर्थशास्त्र, ये उस टाइम के फेमस लिटरेचर हुए। ऑल्सो वुड्स स्टील, अ हाई क्वालिटी स्टील वॉज डेवलप्ड इन साउथ इंडिया अंडर मौर्यन रूल। और उसी टाइम पे वुड्स स्टील, ये क्या थी? एक क्वालिटी स्टील थी जो उस टाइम बहुत ज़्यादा डेवलप हुई, कहाँ? इन साउथ। नाउ द नेक्स्ट इज गुप्ता डायनेस्टी। From 320 CE to 550 CE इसका ड्यूरेशन था। मच ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज री यूनाइटेड अंडर द गुप्ता डायनेस्टी। बहुत सारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट थे वो गुप्ता डायनेस्टी में इस टाइम पे आके क्या हुए? यूनाइट हुए, यानी एक साथ हुए दिस पीरियड। और इसीलिए इस पीरियड को क्या कहा गया? गोल्डन एज ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जितना भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट था वो री यूनाइट हो चुका था। द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी क्रिएटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ द गुप्ताज इनेबल द परस्यूट ऑफ साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक एंडेवर्स। और इसी टाइम पे साइंटिफिक और आर्टिस्टिक जो कल्चर था हमारा वो बहुत ज़्यादा एनकरेज हुआ, प्रमोट हुआ। द फिलोसफी ऑफ हिंदू कल्चर टुक शेप ड्यूरिंग दिस टाइम। और इसी टाइम पे जो हिंदू कल्चर था वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुआ। चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकेंड, ये उस टाइम के फेमस रूलर्स हुए। कौन सी डायनेस्टी के? गुप्ता डायनेस्टी के। नाउ द थर्ड डायनेस्टी इज चोला डायनेस्टी। ये 300 BCE से स्टार्ट होकर 1279 CE तक इसका ड्यूरेशन रहा। इसके बारे में पढ़ेंगे। चोलाज एस्टैब्लिश द ग्रेटेस्ट एम्पायर इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में चोलाज ने अपना ग्रेटेस्ट एम्पायर एस्टैब्लिश किया अंडर राजा राज चोला फर्स्ट एंड हिज सब्सिक्वेंट सक्सेसर। दे सक्सीडेड इन बिकमिंग मिलिट्री, कल्चरली एंड इकोनॉमिकली अ मेजर पावर टू रिकॉन विद इट साउथ एशिया। तो साउथ एशिया में अपने आप को इस्टेब्लिश कैसे किया इन लोगों ने? इन लोगों ने, राजा राज चोला सब्सिक्वेंट सक्सेसर और कौन थे, इन सब ने मिलकर क्या किया? जो एक इस्टेब्लिशमेंट था वो बहुत ज़्यादा अच्छे से अपना जमाया कहाँ पे? साउथ एशिया में। दे हैड अ स्ट्रॉन्ग नेवल प्रेजेंस इन द रीजन। इनकी बहुत अच्छी इनकी प्रेजेंस थी
कहाँ पे इनके खुद के रीजन में साउथ एशिया में प्रोमिनेंस गेन इन आर्ट, और इसी टाइम पे आर्ट, रिलीजन और लिटरेचर ये बहुत ज़्यादा बड़े मोन्यूमेंटल टेम्पल्स और स्कल्पचर जो स्टोन से बने हुए थे, ब्रोंज से बने हुए थे, ये आज तक भी देखे जा सकते हैं साउथ में। नाउ द नेक्स्ट डायनेस्टी इज दिल्ली सल्तनत, जो कब से कब तक थी, 1206 से लेके 1526 तक। टर्क्स अटैक नदन पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड वर एबल टू एस्टैब्लिश देयर रूल कॉल्ड दिल्ली सल्तनत। अब टर्क्स ने नदन इंडिया में अटैक कर लिया था और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे अपना रूल एस्टैब्लिश करा और इन्हीं को हमने क्या बोला, दिल्ली सल्तनत। देयर किंगडम वॉज मेनली बेस्ड इन दिल्ली एंड स्ट्रेच्ड ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मेनली अगर बात करें तो इनका किंगडम कहाँ सेटअप था, दिल्ली में, लेकिन उसके बाद भी ये बहुत सारे रीजन्स में स्प्रेडेड थे। फाइव डायनेस्टी वर अ पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में पांच डायनेस्टीज इंक्लूडेड थी, कौन कौन सी, ममलुक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड द अफगान लोदी। कुतुबुद्दीन ऐबक, अ फॉर्मर स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी, वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली के फर्स्ट सुल्तान कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये कौन थे, मोहम्मद गौरी के पहले स्लेव थे। आर्किटेक्चर, म्यूजिक और लिटरेचर इस पीरियड में बहुत ज़्यादा इनका क्या हुआ, एडवांसमेंट हुआ ड्यू टू इंटरमिक्सिंग ऑफ द टू कल्चर्स, क्योंकि इस टाइम पे दो कल्चर मिक्स हो चुके थे, यानी टर्क्स भी आ गए थे और हमारे इंडियन का कल्चर, दो कल्चर मिक्स होकर उस टाइम काफ़ी ज़्यादा ये एनकरेज हुआ। द दिल्ली सल्तनत इज ओनली इंडो इस्लामिक एम्पायर टू हैव अ फीमेल रूलर इन इंडिया, और दिल्ली सल्तनत ही एक ऐसा इंडो इस्लामिक एम्पायर था जिसमें पहली बार कोई रूलर कौन बनी थी, फीमेल बनी थी, जिसका नाम क्या था, रज़िया सुल्ताना। नाउ द नेक्स्ट डायनेस्टी इज मुगल डायनेस्टी, 1526 से लेकर 1857 तक इसका रूल रहा इस डायनेस्टी का। द मुगल डायनेस्टी, इसको किसने एस्टेब्लिश किया था, बाबर ने, कब, इन 1526। द ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर वॉज, और इस टाइम के जो सबसे ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर रहे वो कौन थे, अकबर, जिन्होंने ही ब्रॉट नियरली ऑल द इंडियन सब कॉन्टिनेंट नॉर्थ ऑफ गोदावरी रिवर अंडर हिज रूल, क्योंकि अकबर के टाइम पर ही जो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था वो अंडर इनके ही कंट्रोल था, यानी मुगल्स के कंट्रोल में था। ही वॉज अ जस्ट रूलर हु इंस्टीट्यूटेड पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म्स, और इन्हीं के टाइम पे पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्म्स, यानी इसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ, काफ़ी अच्छे अच्छे वर्क हुए इन चीज़ सोशल और पॉलिटिकल लेवल पे। द इकनॉमी ऑल्सो ग्रू एंड बिकेम स्ट्रॉन्ग ड्यू टू द पॉलिसीज इनिशिएटेड बाय हिम, और इन्हीं के रूल के टाइम पे, यानी अकबर के रूल के टाइम पे ही जो इकनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाई, क्योंकि इन्होंने उस चीज़ को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे स्टेप्स लिए थे। ही ट्रीटेड पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स इक्वली, हालांकि ये खुद एक मुस्लिम थे लेकिन इनका मानना ये था कि जितने भी रिलीजन्स हैं वो उनको इक्वली ट्रीट किया करते थे। हिज सब्जेक्ट्स लव्ड हिम एंड हैड कम्प्लीट फेथ इन हिम, और इसीलिए इनके जो जो रूलर्स थे, इनके सब्जेक्ट्स थे, इनके सबॉर्डिनेट्स थे, उनका इन पे पूरा भरोसा था। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन जहांगीर, और अकबर के बाद इनके बेटे राज्य संभालने आए। शाहजहां वॉज द ग्रैंड सन ऑफ अकबर एंड हिज रेन वॉज कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। जहांगीर के बाद शाहजहां का रूल हुआ और शाहजहां कौन थे, ग्रैंड सन थे किसके, अकबर के, और माना जाता है कि मुगल आर्किटेक्चर सबसे ज़्यादा इन्हीं के टाइम पर स्प्रेड हुआ और इसलिए उसको बोला जाता है गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। द ताजमहल, वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड जामा मस्जिद, वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क्यू इन इंडिया बिसाइड्स द रेड फोर्ट एंड मैनी सच मोन्यूमेंट्स फॉर बिल्ड ड्यूरिंग हिज रूल। शाहजहां के टाइम पर ही ताजमहल, जामा मस्जिद और रेड फोर्ट जैसी बड़ी बड़ी मुगल आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। औरंगजेब, शाहजहां सन, इंक्रीज द साइज ऑफ द किंगडम टू इट्स बिगेस्ट एवर, और शाहजहां के बाद उनके बेटे का रूल आया औरंगजेब का, और औरंगजेब के टाइम पे जो किंगडम था वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुका था। बहुत सारे जो लाइक स्टेट्स थे वो अब किसके अंडर कंट्रोल थे, मुगल डायनेस्टी के कंट्रोल में। हाउएवर, ड्यूरिंग हिज रेन इट सेल्फ मुगल बिकेम वीक एंड ग्रेजुअली देयर पावर स्टार्टेड टू डिक्लाइन। स्टार्टिंग में तो औरंगजेब ने अपना किंगडम काफ़ी स्प्रेड किया लेकिन बाद में इनकी जो पॉलिसीज़ थी वो एविल पॉलिसीज़ थी और इसी वजह से मुगल एम्पायर क्या हुआ, धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। और ये थी हमारी सारी डायनेस्टीज़ इन इंडिया। थैंक यू स्टूडेंट्स।